हेलो दिस यून मी साफ क्या है और मैं आपके लिए लेके आए हूँ रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाहते हैं कि आपके एक्स के मन में क्या है आपके लिए राइट नाउ जो आपसे कहना चाहते हैं सो लेट्स फाइंड आउट क्विक रीडिंग होगी ज़्यादा कार्ड्स हम पुल आउट नहीं करेंगे जस्ट बी माइंडफुल के जनरल रीडिंग है सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी से जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस के साथ उन मैसेजेस को दिक करो और बाकी सबको छोड़ दो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे पेमेंट कर सकते हो सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी सो लेट्स सी कि क्या है आपके एक्स के मन में जो आपसे कहना चाहते हैं इन मैसेजेस के थ्रू लेट्स फाइंड आउट आई एम टू अफ्रेड टू टॉक आपका पर्सन आपसे बात करना चाहता है बट उसको बहुत डर लग रहा है कि वो आपके पास आएगा तो क्या होगा उसके फ्यूचर क्या होगा वो क्या बात करेगा आपसे लेकिन डेफिनेटली बात करना चाहता है आपसे uh, क्या बात करेगा ये भी नहीं जानता लेकिन डेफिनेटली बात करना चाहता है आपसे दट सी मोर मैसेजेस और क्या कहना चाहता है आपका एक्स आपसे आई वरी अबाउट अस अलॉड आपका एक्स मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फियरफुल है um, आपसे बात करना चाह रहा है किसी बात के किसी चीज़ को लेकर अच्छा आप में अगर थर्ड पार्टी सिनारी रहा है तो आपका एक्स आपसे इसलिए भी बात करना चाह रहा है क्योंकि उसको डर लग रहा है कि शायद कोई घपला हुआ है बीच में जो कि शायद उसके पार्टनर को पता चल गया है या आपके पार्टनर को पता चल गया है जिसकी वजह से शायद वो थोड़ा डरा हुआ है और उसको समझ नहीं आ रहा कि आपसे बात कैसे करें बट इट कैन बी सम अदर रीज़न टू जो कि यू uh, नो you know, वो वारेड है uh, इस कनेक्शन को लेकर आपके पास्ट को लेकर लेट्स आई नेवर इमेज सो मच परफेक्शन आपके पर्सन मुझे लगता है कि um, उनको लगता है कि यू आर परफेक्ट जो पहले शायद उनको रियलाइज़ नहीं हुआ था uh, मुझे लगता है कि उनको लगता है कि जो उनका कनेक्शन आपके साथ है देट हेज़ बीन परफेक्ट और उनके uh, उनका जो कनेक्शन आपके साथ रहा है वैसा कनेक्शन वो किसी और के साथ नहीं बना पाए हैं लेट्स आई लाइ awake thinking about our future फ्यूचर आपका पर्सन जो एक्स है आपका वो आपके साथ मुझे लगता है कि एक नया चैप्टर start करना चाहता है और उसको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से शुरुआत की जाए किस तरह से बात की जाए कहीं कही ना कहीं वो रिकनसाल करना चाहता है और मेजोरिटी uh, लोगों के लिए मुझे लगता है कि इवन दो इट्स अ जनरल रीडिंग इट सीम्स लाइक कि ये एक्स आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा और uh, इस रिलेशनशिप को लेकर बात करेगा फिलहाल थोड़ा डरा हुआ है इसको चार से नौ दिन लग सकते हैं आपकी तरफ एक्शन लेते हुए बट ये डेफिनेटली आपके पास आएगा क्योंकि आपको आपसे बात करना चाह रहा है कनेक्शन को रिकनसाइल करना चाह रहा है उसको लगता है कि आप उसकी इट सीम्स लाइक कि आप उसकी उसकी विश फुलफ़िल्मेंट हो वो आपके बारे में सोचते सोचते यू नो प्रॉब्लिस होता है क्योंकि इट सीम्स लाइक कि बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में लेट्स 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 टिक वन मोर कार्ड लेट्स सी रीच आउट मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए एक हफ्ते में यानी कि सात दिन के अंदर अंदर भी पर्सन रीच आउट कर सकता है क्योंकि डेफिनेटली रीच आउट करेगा आपको बट या yeah, ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प क्या हो गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर बाय